साल तेरे को स्माइल दे रहा है। चलो लेट्स गो बॉय। ओ ओ भाई ओ ओ भाई ओ भाई, क्या बढ़िया जिंदगी है। हेलो गाइस, माय नेम इज डैनियल एंड वेलकम टू डैन ऑन विज। सो आज हम लोग जा रहे हैं बदलापुर साइड जो है बारवी डैम। सो ऑलमोस्ट वसई से अराउंड 75 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, और हमारे साथ आ जाएंगे साहिल जो लाइक पिछले काफी सारे ब्लॉग्स में भी हमारे साथ आ चुके हैं। सुबह के 6:30 बजे, सो विल स्टार्ट विद ब्लॉग, मिलता हूँ मैं आपको बाइक पे। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सो हम लोग फिर से निकल चुके हैं एक अच्छे ब्लॉग के लिए। अभी हम पहुंच गए होटल फाउंटन। सो अगर आप राइट साइड से जाओगे तो मुंबई का रास्ता आएगा, और लेफ्ट साइड से जाओगे तो ठाणे का रास्ता आएगा। सो हम यहाँ से सीधे सीधे जाएंगे ठाणे रोड पे, हम मिलेंगे साहिल को, फिर वहाँ से साथ में ही जाएंगे। ये जो घाट का रास्ता ना ठाणे का, बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि हैंडल बार से मैं हाथ भी नहीं छोड़ पा रहा था, इतना बेकार रास्ता था। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इधर आके मेरा एक्सेल एक दिन टूटेगा। और ये देखो भाई, ये तो अलग ही नशा है। अभी कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है लोगों के पास, इतना ट्रैफिक रहेगा तो रॉन्ग साइड से निकालेंगे। और ज़्यादातर मेजर ट्रैफिक ये ट्रक्स के कारण है, इनकी भी गलती नहीं है, लेकिन अभी क्या ही कर सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटी है, रोड्स मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। द वे ऑफ लिविंग यहाँ पे है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अभी है ना बेकार होते जा रहा है। मतलब मेंटेनेंस तो कुछ है नहीं, तो और ज़्यादा उसके कारण। देखो मेन मोटो तो ये ब्लॉग का ये है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप पालघर साइड आओ, क्योंकि बहुत सारी अच्छी जगह है जो आप मतलब भिवंडी के आगे जाएंगे, बदलापुर साइड जाएंगे, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो मतलब वही एक्सप्लोर करने के लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ताकि आप भी एंजॉय कर सको। नेक्स्ट टाइम अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये जगह पर भी जा सकते हो, क्योंकि जो मुंबई से लोग आते हैं तो उनके लिए ये साइड ईजी पड़ेगा, क्योंकि वो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पकड़ के डायरेक्टली आ सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मतलब मेरे साइड के लोग रहेंगे पालघर साइड के, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये जगह पे आने के लिए, क्योंकि रास्ते में। तो अभी हम पहुंच चुके ऑलमोस्ट ठाणे के रास्ते पे, जो मैं आपको कब से बता रहा था। तो अगर आप यहाँ से राइट लोगे ना तो पूरा मुंबई का रास्ता आता है, और अगर यहाँ से बस सीधा सीधा नीचे जाओगे तो नासिक का रास्ता है। साहिल यहीं पर रहेगा अभी, तो चलो जाके मिलते उससे। सो अभी हम लोग पहुँचे ठाणे भिवंडी के रास्ते पे, सो यहाँ से मैं और साहिल साथ में जाएंगे। तो यहाँ से निकल के अभी डायरेक्टली जाएंगे बदलापुर साइड, और बीच में कहीं पे रुकेंगे क्योंकि मुझे भूख लगी है, सुबह नाश्ता करके नहीं आया हूँ। हमें यहाँ से राइट लेना है, अगर ऊपर का ब्रिज पकड़ोगे तो डायरेक्टली नासिक पहुँच जाओगे। तो ये रास्ता कल्याण साइड जाएगा, यहाँ पर बाइक लगा सकते हैं ना दोस्त। तो गाइस, जो होटल के बारे में बता रहे थे हम लोग वो यही है, और ये है संदीप होटल। तो अभी मैं और साहिल ने ब्रेकफास्ट मंगा लिया जो है पोहा, और थोड़ी देर में चाय और कॉफ़ी भी आ जाएगा। क्या तेरा चाय आ रहा है कि क्या कॉफ़ी? चाय मंगाया, चाय मंगाया दोनों का, परफेक्ट चलेगा अपना। क्या चाय भी आ गया साहिल, तेरे को स्माइल दे रहा है वो। एक काम करते, इसको आगे जाने देते, खाली फिर अपने बीच में आएगा ना, लेके गिरेगा। एकदम स्लो कर देते उसको, जाने दे भाई। नहीं तो फिर अपन रुका देते। अरे देख ना कैसे आगे आके पीछे जा रहा है, पीछे जाके आगे आ रहा है, अभी तेरे आगे आएगा। हाँ जाने दे। तो हम लोग कल्याण एंटर कर चुके हैं, अभी यहाँ से हमें राइट लेना है। सीधा भी अगर जाएंगे तो रास्ता है, लेकिन हमें वो पता नहीं है। तो लास्ट टाइम जो रास्ते पे हम लोग गए थे वही रास्ते से हम लोग जाएंगे। सो अभी हम बदलापुर के रास्ते पे आ चुके हैं, और यहाँ से हम जाएंगे सीधे सीधे टूवर्ड्स बारवी डैम। और साथ ही साथ मैं आपको डायरेक्शन भी दे दूँगा, लाइक मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह अटैच कर दूँगा मैप का, जिससे ईजी होगा ट्रैवल करने के लिए। पे लोकेशन पे पहुंच गया MIDC बारवी डैम करके। अभी और पास जाके आपको मैं दिखाता हूँ उसका व्यू, कि लास्ट टाइम बारिश में हम लोग यहाँ पे आए थे तो पूरा मतलब भरा हुआ था, और काफ़ी अच्छा दिख रहा था ये जगह। सो हम लोग जो बोल रहे थे बारवी डैम, वो यही है, बट दिस इज़ नॉट दी एग्जैक्ट लोकेशन। सो इसके आगे भी हमें जाना है, जो रहेगा वो साइड अगर आप देखोगे तो, अगर पॉसिबल रहेगा बाइक लेके जा पाएंगे वेल एंड गुड,
तो हम लोग ये रास्ते से जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर के साइड। सो लेट्स सी, या फिर उसको पूछना इधर किधर जगह है क्या। बंद करके चालू कर, ऐसा मत कर। अभी यहाँ पे रुके थे तो उन्होंने बोला कि नहीं है, बंद है, मतलब टोटली डैम के पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन लेट्स सी, अगर हम लोग उसके नियर बाय भी जा पाए तो एक अच्छा सा व्यू दिखा पाएंगे, कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इधर तक अगर आए, अगर वो व्यू मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। पीछे हम लोग ने एक रास्ता देखा, तो चलो जाते हैं वहाँ पे। जाएगा ना, इजीली जाएगा। मैंने अभी बाइक अंदर ले लिया, लेकिन साहिल अभी रुक रहा है यहाँ पे बाहर, क्योंकि उसका गोप्रो में भी चार्जिंग नहीं है। लेकिन मैं अंदर जाके देख के आता हूँ कि क्या है करके। ऑलवेज रेडी फॉर एडवेंचर। चलो लेट्स गो बॉय। साहिल वर्ट नहीं है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये कुछ नहीं है। से अभी फिर से निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अंदर गए, कुछ नहीं मिला। मतलब अंदर तक गया और कनेक्शन भी लॉस्ट हो रहा था, फिर मैंने बोला कि छोड़ो, जाने दो, खाली फुकट रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे रास्ते इतने अच्छे हैं कि मतलब है ना, गाड़ी चलाने में एक मज़ा तो आएगा ही आएगा, कंफर्म मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। लाइक इतने अच्छे रास्ते कि आप मतलब फ्रीली बाइक चला सकते हो। ऑल राइट गाइस, हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं बैक टू होम। काफ़ी मज़ा आया ये राइड पे। लाइक अभी रास्ता तो और बाकी है, फिर भी लाइक काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में। डेफिनेटली आओ, एंजॉय करोगे। जो होटल्स रिकमेंड किए वहाँ पे भी रुको, अच्छा नाश्ता करो और घर पे जाओ। रैश ड्राइविंग मत करो ये रास्ते पे, वरना जो व्यू भी है वो भी आपको अच्छे से मिलेगा नहीं। आराम आराम से चलो, कोई घाई नहीं है। अरे भाई, अरे भाई, पोकेमोन साला। सो 2 मिनट के लिए बस रुके थे यहाँ पे और इसका गाड़ी बंद हो गया, पता नहीं कुछ इशू है कि क्या है करके। हाँ, एक काम कर, तू यहीं पे रुक राने। अरे भाई हालत ख़राब। और कुछ 3 ऐसे भी आते हैं। अभी गोप्रो पे आ भी गया तू। अचानक से हुआ। अरे राइड, पेट्रोल की बात करते हो। डैन ऑन व्हील्स। ऑलराइट, सो हम लोग आ गए बैक टू भिवंडी रोड। फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स थाने। मतलब यहाँ पे तो बहुत खतरनाक ट्रैफिक है, फॉर श्योर मिलेगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सभी लोग घर पे जा रहे हैं। एक चीज़ अच्छा है कि हम लोग दोनों इंटरकॉम से कनेक्टेड है, तो एक दूसरे को बता पा रहे हैं कि क्या है करके आगे। सो साहिल, मिलते हैं अपन, तो बाय। साहिल जाएगा अभी यहाँ से ऊपर से और मैं जाऊंगा नीचे से। दोपहर को इतनी धूप थी और लग रहा है कि यहाँ पे बारिश गिरा हुआ है। सो हम लोग एंटर कर चुके अभी थाने में, और थाने से हम अभी जाएंगे टूवर्ड्स वसई, जो हमारा घर है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं वसई के रास्ते पे, और ये रास्ते पे आके इतना सुकून मिलता है, मतलब घर के रास्ते पे आके इतना अच्छा लगता है, क्या ही बोलूँ। मतलब भले आप
कितना भी दूर जाओ, लेकिन उसके बाद अगर आप घर पे फिर से आते हो ना, वो एक बेस्ट फीलिंग है। सो अभी जस्ट मैं घर पे पहुंचा, इवन साहिल अपने घर पे पहुंच गया, उसका कॉल आया था मुझे और काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज आए थे बाइक में, लाइक कम्प्लीटली वीडियो में नहीं बता पाया मैं। बट अगर आप जा रहे हो राइड पे, मेक श्योर करो आपका बाइक सर्विस हो अच्छे से और उसके बाद ही जाओ। जो रास्ता है लाइक विद इन ठाणे और भिवंडी का, वो काफ़ी बेकार है, लाइक हाल मेरा बेहाल हो गया उधर। लेकिन फिर भी सही है, अगर आप बाहरी साइड जा रहे हो तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, एंजॉय करोगे आप। और वीडियोस भी लाइक काफ़ी अच्छे अच्छे बने इस बार, आप डेफिनेटली मेरा इंस्टा चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा, इफ यस प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले बार अच्छे ब्लॉग्स में, टिल द टाइम बाय बाय।